भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद में, जहां संगम होता है ज्ञान और मनोरंजन का। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। इस अनूठे मंच पर हम आपको भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की रोचक यात्रा पर ले चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की विविधता से भरी परंपराएं, यहाँ की कला और इतिहास उसकी खास पहचान है। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम आपको उन कहानियों से रूबरू करवाते हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के एपिसोड की झलकियों पर। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए एक दुर्लभ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। एक तो वो दौर जफर का याद आता है जो उर्दू शायरी के रिश्ते से है, और एक वो कि जब हम क्योंकि क्लासिकी मौसिकी से हमारा ताल्लुक रहा तो सिखाया वाले साहब ने हमें क्लासिक। खूबसूरत अरावली पहाड़ों की तलहटी पर स्थित ये गांव है जो अभयपुर के नाम से मशहूर है। तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम आपके लिए आज क्या खास लेकर आए हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की तरफ बढ़कर। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि बीते दिनों कला और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तो आइए पेश करते हैं आपके सामने साप्ताहिक सुर्खियां। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए एक दुर्लभ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में लगी ऐतिहासिक शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी IGNCA पहुँचे। प्रदर्शनी में मराठा साम्राज्य की सैन्य विरासत की झलक है। इस अवसर पर केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने केंद्र द्वारा की जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। ये प्रदर्शनी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के उत्कृष्ट हथियारों पर आधारित है, जिसमें ऐतिहासिक तलवारों, कवचों और शस्त्रों का संग्रह शामिल है। ये प्रदर्शनी 12 से 30 अक्टूबर तक IGNCA की दर्शनम गैलरी में लगी रहेगी। नई दिल्ली में संस्कृति कर्मी और सांस्कृतिक प्रशासक पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम IGNCA के संस्कृति संवाद श्रृंखला के अंतर्गत हुआ। प्रसिद्ध नाटककार और निर्देशक दया प्रकाश सिन्हा देश विदेश के कई सांस्कृतिक संस्थानों में शीर्ष पदों पर रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय हिंदी रंगमंच में सन 1950 के बाद घटित रंग आंदोलन में दया प्रकाश सिन्हा ने अपनी विश्वसनीय उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने समृद्ध लेखन और निर्देशन के जरिए भारतीय हिंदी रंगमंच को संजीवनी और ऊर्जा देने का काम किया है। विभिन्न सत्रों में आयोजित ये कार्यक्रम कला, संस्कृति, रंगमंच और साहित्य की प्रसिद्ध शख्सियतों द्वारा साहित्य और रंगमंच में दया प्रकाश सिन्हा के योगदान पर आधारित रहा। कार्यक्रम के उद्घाटन और सम्मान सत्र में मुख्य अतिथि थीं सांस्कृतिक विदुषी और नृत्य गुरु पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह।
आप नाटक करते हैं, मैं नृत्य करती हूँ, नृत्य भी नाटक ही है और वैसे जीवन भी एक नाटक है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उसको सार्थक करना, करके बताना, समझना, समझाना, उसका मंचन करना, लिखना, पढ़ना, मनन चिंतन करना, प्रस्तुतिकरण करना, ये सब बातें जो इकट्ठी हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ा पुलिंदा बनता है जो आपके जीवन दृष्टि को प्रेषित करता है। जबकि अध्यक्षता की प्रतिष्ठित शिक्षाविद और संगीतविद डॉक्टर भरत गुप्त ने, हिंदी में अन्य भाषाओं के नाटकों का अनुवाद होकर वो खेला जाता है और बहुत खेला गया है और खेला जाना भी चाहिए, लेकिन एक हिंदी लेखक का मराठी में अनुवाद होकर और वहाँ खेला जाना, ये भी एक विशिष्ट उपलब्धि है। इस अवसर पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने दया प्रकाश सिन्हा के रंगमंच के क्षेत्र में योगदान पर अपने विचार साझा किए। देश के कोने कोने से हमने कई ऐसे महान रंग कर्मियों को, साहित्य जगत की हस्तियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है जिन्होंने समय समय पर दया प्रकाश जी के साथ कुछ न कुछ काम किया है। कुछ लोगों ने उनकी कृतियों का अनुवाद किया है, कुछ लोगों ने उनके नाटकों का मंचन किया है, कुछ लोगों ने उनके साहित्यिक अवदान पर कहीं न कहीं लिखा है, पढ़ा है। इसके साथ ही दया प्रकाश सिन्हा ने रंगमंच की अपनी 7 दशकों की यात्रा के बारे में भी बताया। उसको कहते हैं ना नाटक के बारे में स्टेज स्ट्रक, तो मुझे लगा कि मैं स्टेज स्ट्रक हूँ। स्टेज स्ट्रक और किसी विधा के लिए नहीं कहा जाता, साहित्य स्ट्रक या उपन्यास स्ट्रक या नृत्य स्ट्रक कोई नहीं होता, वो स्टेज स्ट्रक सिर्फ स्टेज के संबंध में यूज होता है, क्योंकि उसका अर्थ ये है कि वो स्टेज के प्रति आकृष्ट है बिना किसी तर्क के। उद्घाटन और समापन सत्र के बीच 3 और सत्रों का आयोजन किया गया। पहले सत्र में प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, प्रोफेसर चंदन कुमार, श्री दीवान सिंह बजेली, प्रोफेसर मनमीत कौर, डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति और डॉक्टर नौशाद अली ने दया प्रकाश सिन्हा के नाटकों के साहित्य में अवदान पर चर्चा की। दूसरे सत्र में दया प्रकाश जी के नाटकों के विभिन्न भाषाओं में हुए अनुवाद और मंथन पर चर्चा हुई। इस सत्र में प्रोफेसर ए अजय युतन, श्री महेंद्र प्रसाद सिंह, श्री नागेंद्र माणिकरी और डॉक्टर नंदराज ओग ने अपने विचार प्रकट किए। गौरतलब है कि प्रोफेसर ए अच्युतन ने दया प्रकाश जी के नाटक का मलयालम में और श्री नागेंद्र माणिकरी ने मराठी में अनुवाद किया है। वहीं श्री महेंद्र प्रसाद सिंह ने उनके नाटक अपने अपने दांव का भोजपुरी अनुवाद आपन आपन दांव का प्रकाशन अपनी संस्था रंगश्री से करवाया है। तीसरे सत्र में दया प्रकाश सिन्हा के नाटकों की रंगमंचीयता पर थिएटर के दिग्गज निर्देशकों और अभिनेताओं ने चर्चा की। कार्यक्रम के समापन सत्र में पुस्तक दया प्रकाश सिन्हा नाट्य सृष्टि एवं दृष्टि का लोकार्पण भी किया गया, जिसका संकलन एवं संपादन डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव ने किया है। इस सत्र की अध्यक्षता IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने की। श्री राम बहादुर राय ने कहा, दया प्रकाश सिन्हा नाट्य सृष्टि और दृष्टि, ये पुस्तक दया प्रकाश जी को जानने के लिए जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। मैं कहूँगा कि अद्भुत पुस्तक है। तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियाँ। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का। संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा माना जाता है। भारतीय संगीत विविधता का भंडार है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और शैलियों की संगीत परंपराएं शामिल हैं। संगीत में वाद्य यंत्रों का क्या महत्व है, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। बिना साज के संगीत सचता ही नहीं, और जब बात साज की हो यानी वाद्य यंत्रों की हो, तो वायलिन को भला कोई कैसे भूल सकता है। ये बेहद लोकप्रिय वाद्य है। TN कृष्णन, ए कन्याकुमारी, HK वेंकटराम और मैसूर बंधु जैसे अनेक संगीत साधकों ने भारत में वायलिन को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस खास सेगमेंट में हम आपको सुनवा रहे हैं 2 दिग्गज वायलिन वादकों को, 2 पीढ़ियों की जोड़ी, यानी पंडित प्रवीण शेवलिकर और उनकी सुपुत्री विदुषी चैताली शेवलिकर की जोड़ी ने IGNCA की विशेष संगीत संध्या विरासत में अपने वायलिन वादन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
आइए सुनते हैं इन्हें। आपने सुना पंडित प्रवीण शेवलिकर और उनकी सुपुत्री विदुषी चैताली शेवलिकर को। निश्चित रूप से उनके वायलिन की स्वरल हरियों ने आपको मधुर एहसासों से भर दिया होगा। अब बात फिल्मों की कर लेते हैं। आज सिने सर्कल सेगमेंट में दिखाई जाने वाली फिल्म के माध्यम से हम आपको बताएंगे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय, प्रथम स्वाधीनता संग्राम और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की आवाज का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर न सिर्फ बादशाह थे बल्कि एक उत्कृष्ट शायर भी थे। तो आज सिने सर्कल सेगमेंट में देखिए बहादुर शाह जफर पर आधारित फिल्म द लास्ट मुगल। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। देखिए बहादुर शाह जफर का नाम जब हम सुनते हैं या लेते हैं तो कई बातें याद आती हैं। तो एक तो वो दौर जफर का याद आता है जो उर्दू शायरी के रिश्ते से है, और एक वो कि जब हम 1857 जो हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो बहादुर शाह जफर का नाम तो हमें याद आएगा ही, इसलिए कि उस वक्त तमाम लोगों ने वो जो कि जो अलग अलग राजा भी थे उन्होंने अपना
नॉमिनल हेड कहेंगे, लेकिन हेड लीडर बहादुर शाह जफर को ही बनाया था। बहादुर शाह मेरा नाम है मशहूर आलिम में, वो लेकिन ए जफर उनका गदाए रहनशी हूं मैं। जफर का काफी समय दिल्ली के इस जफर महल में गुजरता था। इस महल की ऊपरी मंजिल पर उनकी बैठक थी। यहां से उन्हें सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह दिखाई देती थी। जफर उनके मुरीद थे। सामने की बालकनी से वे लोगों के सलाम कबूल करते थे। शाम में यहां शायरी और मौसीकी का खुशनुमा माहौल होता था। बहादुर शाह जफर जो जंग आज़ादी के पहले सिपे सालार थे, मैं उसी परिवार की बहू हूँ। लड़का हमारा एक है, वो बेचारा अपना गाड़ी वाड़ी चलाता है, कमाल बख्त नाम है उसका। और उसके बाद लड़की है सीमा बेगम, उसके बाद है रौनक जमानी बेगम, उसके बाद है तरन्नुम जहां, उसके बाद है तनवीर बेगम, उसके बाद है आखिरी में जीनत महल। मैं उनको एक मुग़ल ख़ानदान के राजा के हिसाब से नहीं, पहले मैं उनको वो देखती हूँ उन्होंने देश के लिए सबसे पहले तलवार उठाए। क्योंकि जफर साहब ने घुटना नहीं टेका अंग्रेजों के आगे, मिट्टी से वफादारी की है, लेकिन हमारे बच्चे सीना सर उठा के तो चल सकते हैं। जफर दिल्ली के अपने आखिरी दिनों में सलीमगढ़ किले के कैदखाने में रहे। उन्हें नासिर हुसैन मिर्जा के मकान से बाद में यहां ले आए थे। फैसला सुनाए जाने के 7 महीने बाद 7 अक्टूबर 1858 को यहीं से जफर देश निकाले की सजा भुगतने के लिए रवाना किए गए। वो जो टूटी कब्र का था निशान, उसे ठोकरों से उड़ा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया था कि जिंदा जफर से मुर्दा जफर बहुत खतरनाक है। मैं वो कुश्ता हूँ कि जिसकी लाश पर है दोस्तों एक जमाना दीदे हसरत से तकता जाएगा। ऐ जफर कायम रहेगी जब तलक इकलीम हिंद अख्तर अकबाल इस गुल का चमकता जाएगा। आप ज़रा इस पे गौर करें, कायम रहेगी जब तलक इकलीम हिंद। तो बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान से एक्सपेक्टेशंस थे, अब हम लोगों को देखना है हम कहाँ तक उसे पूरा कर सकते। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। संगीत की कई विधाओं से आप परिचित होंगे, जैसे ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद, गजल और शास्त्रीय गायन। इन विधाओं में अगर गजल की बात करें तो ये बेहद लोकप्रिय है। प्यार, दर्द, जुदाई और जीवन के अनुभव गजल के प्रमुख विषय होते हैं। मलिकाए गजल को बेगम अख्तर, नूरजहान, मेहंदी हसन, तलत महमूद, जगजीत सिंह जैसे दिग्गज गजल गायकों ने एक ऊंचा मुकाम दिलाया। पद्मश्री से सम्मानित हुसैन बंधु उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन गजल की परंपरा में एक बड़ा नाम है। आज विशेष साक्षात्कार के इस सेगमेंट में हम आपको इन्हीं दोनों दिग्गज कलाकारों से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने गजल गायकी के अपने दिलकश अंदाज से लाखों श्रोताओं को अपना मुरीद बनाया। दोनों भाइयों की ये जोड़ी दर्शकों से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर रही है। तो आइए विशेष साक्षात्कार में इस जोड़ी से जानते हैं उनकी संगीत यात्रा के बारे में। ये आवाज़ जिस तरह से आप सब जब आप गाते हैं तो चारों तरफ, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र उस्ताद? तो हमारा ये सफ़र चूँकि क्लासिकी मौसीकी से हमारा ताल्लुक रहा, तो सिखाया वाले साहब ने हमें क्लासिक शास्त्रीय संगीत, लेकिन ना जाने क्यों कुछ अरसे बाद उनके जहन में एक पिक्चर उभरी, अपने आप कह बैठे कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक दो बातें मेरी ध्यान रख लो। एक तो आने वाले दौर में ऐसा होगा कि कॉमर्शियल रिदम ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे आप इत्तेफाक तो करिएगा लेकिन पूरा मत करिएगा क्योंकि फ़न चला जाएगा। और दूसरा, दोनों भाइयों में जुदा रंग होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अहमद हुसैन का मिजाज है,
के विलंबित यानी ठहराव की तरफ, और इनका मोहम्मद हुसैन का रुझान है रफ्तार की तरफ, बढ़त की तरफ। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके साथ साथ तीसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं चाहता हूँ क्लासिक की मौसीकी आप सीख लीजिए, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि गज़ल की तरफ जाइए, और जब गज़ल आप गाएंगे तो गज़ल में आपकी अपनी एक पहचान बनेगी और मकबूलियत मिलेगी। ऐसा ही हुआ। सितारा देवी जी के घर से हमारे घरेलू ताल्लुकात, तो वालिद साहब को भाई मानती थी और राखी मानती थी। उस दौरान वो आई थी और उनकी जो बड़ी बहन थी उनका नाम था तारा देवी। अच्छा, तारा देवी। हाँ। वो उनके वालिद साहब सुखदेव महाराज जी, ये सारा परिवार एक ज़माने में जयपुर आया, तो पारिवारिक संबंध थे, तो फिर काफ़ी गैप हो गया। लेकिन चूँकि जब ये तशरीफ लाई तो बोली तुम बॉम्बे आओ, हम तुम्हें कल के कलाकार में गवाएंगे। अपने आप बोली वो, और कैसा गाते हैं सुना भी नहीं था। हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क था। खैर साहब, वो 1978 में हमने कहा साहब हम तो बॉम्बे से बहुत नाराज़ हैं और हमारे साथ बड़ी मुश्किलें हैं। 1978 में उन्होंने हमारा पहला प्रोग्राम कराया कल के कलाकार। 78 में। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं कि अल्लाह के करम की बात, हमारे माँ बाप उस्तादों की बात, वो उन्हीं की दुआओं का असर है। अच्छा, ये मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, तुम ही नजर आते हो जिधर देख रहा हूँ। काबे की ज़रूरत है ना बुतखाने की ख्वाहिश, जिस सिम तो दिखाते हो उधर देख रहा हूँ। तो हमने गज़ल इस साल में गा दी उसको। आप इसको कव्वाली बनाना है तो ये होगा कि उसकी रिदम जो है डबल होगी, हम नवा साथ होंगे, ढोलक और उसका एक लंगर बनेगा। उस्ताद, कहीं कहीं गज़ल एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। जैसे, हाँ, ये तो एग्जैक्टली सही बात है। अब वो क्या करेगा, वो जो कव्वाल हजरात हैं वो कैसे करेंगे, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, तो बराबर का कोई ऐसा शेर फिट कर देंगे कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, तो वो मौजू हो जाएगा वहाँ। जी जी जी, रिदम की और उसके एतबार से। तो साहब, वो आप फरमा रहे थे, हाँ, आ जाते रहे। जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते, दुनिया को छोड़ आया हूँ, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। ये है तेरा ही सौदाई, ये है तेरा ही शहदाई, तेरे इश्क में है इससे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना। इस विशेष बातचीत के बाद हम आ गए हैं संस्कृति संवाद के आखिरी पड़ाव, यानी मेरा गांव मेरी धरोहर पर। इस खास सेगमेंट में हम आपको परिचित करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और वहां की परंपरा से, जो उसकी पहचान है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश के सारे गाँवों का दस्तावेजीकरण करना है, ताकि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। तो आज इस खास सेगमेंट में हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के एक गांव अभयपुर की यात्रा पर। गुड़गांव के बाहरी इलाके में खूबसूरत अरावली पहाड़ों की तलहटी पर स्थित ये गांव है, जो अभयपुर के नाम से मशहूर है, जहां आपको छोटी छोटी पहाड़ियां और झीलें नजर आती हैं। गुड़गांव के हरियाणा राज्य में स्थित इस गांव की विशेषता रही है कि इस गांव में नील धागा बनाने के लिए पारंपरिक चरखे के साथ महिलाएं बैठा करती थी, जो यहां हैंडलूम फैब्रिक बनाने का काम करती थी। अभयपुर गांव को भयपुर के नाम से भी जाना जाता है। सोना तहसील के पास ये गाँव सोना गुड़गांव रोड से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, जो कि सोना विधानसभा और संसद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माना जाता है कि ये गांव 700 से 800 साल पुराना है। जैसे ही आप गांव में प्रवेश करते हैं,
सबसे पहले आपको हनुमान मंदिर नजर आता है, फिर यहाँ का प्राचीन बाबा देवदास मंदिर, जहाँ गांव वालों की मान्यता है कि यहाँ पेड़ों को काटना या डाली तक को तोड़ना अपशगुन माना जाता है, और अंत में बाबा महापुरुष मंदिर। कहा जाता है ये दोनों प्राचीन मंदिर लगभग 800 से 900 साल पुराने हैं। गांव में से कई स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, जिन्होंने आजाद हिंद फौज में भी भाग लिया था। गांव में पर्यटन के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक झील है, जिसे दमदमा लेक के नाम से जाना जाता है, जो कि हरियाणा में सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है। प्रकृति की गोद में बसा अभयपुर गांव पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और हाँ, आपको बता दें कि आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है, तो आप अपने सजेशंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA के इस खास प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ, जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की विशाल संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।